आपने बुला के सम्मान नहीं दिया, यहाँ बुला करके सम्मान नहीं अपमान किया गया। जनप्रतिनिधि है, सम्मानित जनप्रतिनिधि है, और इनकी बातों को सुनना हमारा कर्तव्य बनता है। हम जवाब देंगे, विभाग की तरफ से हम जवाब इनको देंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज पटना होटल मौर्या में ग्राम संसद चैप्टर 3 का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बिहार के तमाम जिलों से जितने भी मुखिया प्रतिनिधि थे सभी शामिल थे। इसके बाद जो है मुखिया अपनी बातों को रख रहे थे बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम के संग, और एक महिला ने जो मुद्दा रखा, जो बात रखा, जिसके बाद जो है पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम को जवाब देते नहीं बने। आइए सुनते हैं मुरारी गौतम किस तरीके से मायूस मुखिया लोग को चुप कराने में लगे। देंगे आपको जवाब, आप एक बार बैठ जाइए प्लीज। सभी जनप्रतिनिधि जो है अपनी अपनी बातें, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के लिए उत्सुक है कि सभी को समय मिले, इसलिए सभी लोग एक साथ बोलने की इच्छा में, सभी को जवाब मिलेगी, जिनकी जो भी समस्या है सुनी जाएगी और सबका जवाब दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, जहाँ भी प्रतिनिधि जो कहीं भी जा करके किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है, सबसे पहले कार्यक्रम की रूपरेखा होती है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा के बाद आपकी जो समस्याएं हैं विभाग से है, माननीय मंत्री से रखना है, ये कार्यक्रम अलग तरीके का, लेकिन आप इस बीच में भी रख रहे हैं तो उसका भी जवाब हम देंगे। इस तरह का जो संवाद कार्यक्रम चल रहा था इसमें सरकार भी अपनी जवाब रख देगी। जनप्रतिनिधि है, सम्मानित जनप्रतिनिधि है, और इनकी बातों को सुनना हमारा कर्तव्य बनता है। हम जवाब देंगे, विभाग की तरफ से हम जवाब इनको देंगे। लेकिन तो हम लोग सुन रहे हैं उनकी बात, हम सुन रहे हैं, बैठ करके हम सारी बातों को हम सुन रहे हैं। उनकी जो भी बात है उसकी जवाब हम दे देंगे। ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जो ग्राम सांसद चैप्टर 3 आयोजन है, किस उद्देश्य से किए हैं और ग्राम संसद का क्या इनका उद्देश्य है, ये अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधियों की बात सुनेंगे। और जनप्रतिनिधियों की जो विभाग से शिकायतें हैं या जो मंत्री से शिकायतें हैं वो हम सुन करके उनके जवाब उनको हम दे देंगे। इसलिए हम समय में जो भी समस्या है हमारे पास आई तो हम जवाब देंगे उस समय। अभी इसलिए ग्राम संसद चैप्टर 3 इन्होंने आयोजन किया है, आयोजन के बारे में स्पष्टता के साथ जानकारी देंगे। उसके बाद जो हम हमारे साथ और विभाग की जो वही बातें हैं इनके इनके और हमारे दरमियान उसका जवाब हम दे दें। सर ये लाइव इंटरेक्शन फिर नहीं ना हो पाता, इसी वजह से लाइव इंटरेक्शन हो। मंत्री जी बने बताए, आपका कार्यक्रम है तो आपने सही तरीके बुला के आपने सम्मान नहीं दिया, आपने बुला के सम्मान नहीं दिया। ग्राम संसद की ओर से ये बेवकूफ सभी जनप्रतिनिधि को ग्राम संसद से जो बुलाया गया, यहाँ बुला करके सम्मान नहीं अपमान किया गया। हाँ छोड़िए ना, हम तो बोल रहे हैं ये बिल्कुल अपमान हुआ। क्या सम्मान हुआ मंत्री जी के सामने, क्या बात रखा? तो आपने देखा कि किस तरीके से जब मुखिया महिला ये कहने लगी कि आखिर आज तक लगातार देखा जा रहा है कि पंचायती विभाग में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है दोयम दर्जे की रवैया अपनाई जाती है, कभी भी उन्हें सही ढंग से उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इसके बाद मुरारी गौतम बोलते नजर आए कि चुप रहिए, मैं बोलने को तैयार हूँ, लेकिन बोल नहीं पाए क्योंकि वो खुद कन्फ्यूजन में थे कि आखिर क्या जवाब दिया जाए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।